था, अगर आप लगाओगे ना आपको भी फायदा होगा, ऐसा नहीं नुकसान होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो प्रदीप भाई आपने जब पहला लगाया था कितना के फायदा हुआ था? भाई मेरे को फायदा हुआ था 6-7 लाख रुपए का। राम राम जी, मैं आपका अपना वीकेश विनोद कुमार सुखवाले। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने लेके आए हुए स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे करें और उसमें क्या क्या जरूरी होता है और किस टाइम पानी देना होता है, और सबसे पहले जो अहम बात है कि भाई स्ट्रॉबेरी का बीज कहाँ से मिलता है और कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं। तो इन सभी बातों के साथ और अधिक जानकारी के साथ इस वीडियो में लेके आए हैं और आप हमसे बने रहिए। तो हमारे साथ है भाई स्ट्रॉबेरी के मालिक, स्ट्रॉबेरी बाग के मालिक, इनसे बात करें। तो राम राम। राम राम सर। तो आप ये बताइए कि जो स्ट्रॉबेरी का बीज है तो वो कहाँ से मिलता सबसे? भाई हमें स्ट्रॉबेरी का बीज, भाई बीज तो लेकर नहीं आते, प्योद लेके आते हैं हिमाचल से। हिमाचल से मिलती है? हाँ जी। और अपने हरियाणा में कहाँ से मिलती है? हरियाणा में हिसार के पास है, सडोवा गाँव, वहाँ से। हाँ देखो भैया, है मतलब दोनों बढ़िया है, पौधे दोनों बढ़िया है, मतलब टेस्ट इसका ज्यादा बढ़िया है खाने में हिमाचल वाले का। अच्छा। तो ये बताओ, जिस तरह हम मान ले कि जुताई करते हैं, किस तरह की जुताई करनी चाहिए स्ट्रॉबेरी का बाग लगाने के लिए? जुताई भाई पहले अपने खाद खूद डालो गोबर का, बढ़िया समारो इसको ना, 1-2 महीना खेत को खाली रखो। अच्छा। जो जमीन में ताकत से आ जाए ना पानी दे जाओ, और का उसका गेर का गोबर खाद, और इसको बढ़िया जुताई करे जाओ, फिर 1-2 महीने रख कर थैली में बढ़िया कर कर, फिर इन बाह बू कर सही त्रिया कूट कर निकाल कर, फिर अपने फुहारे लगा दें पहले इनको, 2 दिन पहले फुहारे बीज खो दें सारे खेत में, उसके बाद पेड़ा लगाया जाए, फिर वो फुहारे चलते रहे कम से कम लगातार 15-20 दिन तक फुहारे इसमें चल रहे हैं, उसके बाद मल्चिंग हो जाए, प्लोथिन लगा दें, बाद में ड्रिप लगा दें उसमें, जो एक पौधे के साथ में टोपे टोपे पानी पड़ेगा, इसके साथ जो कुछ नापान है खाद दवाई कुछ भी देना होता है वो दे दें वहाँ। जो आप कह रहे ड्रिप ड्रिप लगाना पड़ता है, तो ये ड्रिप का सिस्टम क्या है जी? मतलब ज्यादा पानी नहीं चाहिए इन पर? नहीं नहीं, इसको चाहिए नमी, बिल नमी चाहिए बिल्कुल, बस नामत्र नमी बोल देते हैं, गिला नहीं चढ़ना इसमें, बस नमी की जरूरत है बस इसमें। तो ये किस मौसम में बोनी चाहिए? ये सितंबर के महीने में लगा दें वही लास्ट में। हाँ जी। तो आपने पहले बोई थी, कितना के लाभ हुआ आपने? पिछली बार भी बोई थी भाई, भगवान की दया था भाई, ठीक काम था भाई, बढ़िया चल गया था। हाँ मान ली, कोई भी भाई भाई लगाना चाहो, कोई भी अंकल, कोई भी अपना किसान लगाना चाहो, तो मतलब कितना कम से कम कितना बजट लगा भाई मैं तैयार हो सके लगाना चाहो? देखो तो बहुत बढ़िया बात है, बाकी इसका खर्च बहुत है भाई, इसका 1 एकड़ में 10-11 लाख रुपए खर्चा आ जाता है भाई। हाँ बात है, ये खेत बढ़िया तो पानी होना चाहिए बिल्कुल मीठा, खेत ऊंचा होना चाहिए, जैसे बारिश बुरिश हो जाए ज्यादा कई बार पानी ना रुका इसमें, ये जरूरी है दो काम, पानी तो बहुत मीठा होना ही होना चाहिए, पानी बिना तो कुछ खेती है नहीं, मान लो पहली बात तो कोई भी हो खेती मीठा पानी जरूरी है। हमारे यहाँ दिखा दो भाई नहर है, नहर के साइड तक सारा पानी नहर का उठा कर लगाओ हम लोग। हाँ जी। तो ये बताओ, गर्मी के सीजन में नहीं बोल सकती? ना ना जी, गर्मी में चल नहीं गए। अच्छा, मतलब ठंड ठंड में बोल सकते? हाँ। मतलब सर्दी के सीजन में? हाँ, विंटर डाउन है ये। तो दोस्तों अब दिखाओगे अपने भाई यहाँ का पानी का सिस्टम, तो ये दिखा दे जो लाइन लग रही है। ऑन किया जाता है, बंद किया जाता है यहाँ से ही। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा भी, यहाँ पर पानी की जो लाइन बिछा रखी है ये आपके सामने देखो, ये है मेन लाइन भाई, ये मेन लाइन, और जो एक ये लाइन है पानी की, तो ये जा रही है हर लाइन में, इस तरफ दिखा, हर पेड़ के, हर पौधे के साथ है भाई, वहाँ पर ड्रॉप ड्रॉप है पानी चाहिए इनको, ज्यादा गिला नहीं चाहिए, जैसे कि हमारी धान की गेहूँ की खेती होती है तो उसमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन इसमें इतना पानी नहीं चाहता होगा। और देखो ये इसमें बंद करने का भी सिस्टम लगा रखा है, हर एक वाल के अंदर, हर एक लाइन के अंदर ये लगा रखा है। और आपने दिखाओगे कि भाई पानी जनरेट कहाँ से किया जाता है? तो पहले दोस्तों अब आ गए भाई जहाँ से पानी हमें जनरेट किया जाता है, और दो तरीकों से, एक तो मैनुअली और एक बार लाइट के जरिए। तो प्रदीप भाई, अगर हमें लाइट के जरिए पानी सिस्टम करना है, लाइट के जरिए भाई आप मोटर दर रखी नीचे, या देखो भाई ये मोटर है जैसे आप देख रहे हो, मोटर है, मोटर में चल पड़ा, बाकी वो हमने पंखे का उसका इंजन का भी जुगाड़ कर रखा है। देखो भाई ये मैनुअली हम
जी, अगर लाइट ना हो तो तब भी हम कर सकते हैं। उसी टाइम इंजन को चला दिया जाता है। जो भाई साहब ये इतनी वाल लगा रही है किस लिए? ये वाल भाई अपना ये कोई ड्रिप के कोई फुहारे किया है, ये फिल्टर वगैरह जैसे। देखो भाई ये फिल्टर लगा रहा है, इस पे सब पानी के लिए फिल्टर, पानी फिल्टर करके भेजा जाता है भाई। सारे अपने जुगाड़ के हिसाब से चल रहा है भैया, अड़ते जो दवाई देनी है, कोसी वाल बंद करनी है, खोलनी है, बस वैसे ही सब को प्रोग्राम बढ़िया फिट कर रखा है सारा। मतलब दवाई जानी है तो यहीं पे से जाएगी? हाँ यहीं से जाएगी, यहीं ड्राम में घोल दिया करें, ड्राम में से उठा के ये पाइप के जरिए इसमें घोल के चली जाती है। देखो भाई हर चीज को दवाई की जरूरत होती है, जो जैसे कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं कई बार ये सुंडी वगैरह और लाग जाए, इनके दवाई मारा जाता था और कुछ दवाई नहीं मारता। देखो बहुत बढ़िया सिस्टम लगा रखा है, और ऑटोमेटिक भी है और भाई मैनुअली भी है, जैसे ऑपरेट कर कर सकते हैं जरूरत के अनुसार। तो प्रदीप भाई आपने बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है। भाई देखो और एक बात और, उधर तो अपन टमाटर लगा रखे हैं, इधर लगा दी शिमला मिर्च। देखो भाई ये शिमला मिर्च लगा दी भाई अपन है, यही हो जाएंगी तैयार। भाई ने फिर एक वीडियो खातर फिर बुलाऊंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा भी, आपने सुना, तो खेती कैसे करते हैं स्ट्रॉबेरी की, स्ट्रॉबेरी का बाग लगाएं तो कैसे लगाएं और कितने का बजट लग जाएगा, और ये सब कुछ आपने इस वीडियो में देखा है, सुना है। और दोस्तों इन्होंने भाई पहले भी लगाया था बाग, जैसे ये आपने पहले वीडियो देखी उनमें बात हुई थी, इन्होंने पहले भी लगाया था 1 साल पहले, उसमें भी इनको फायदा हुआ था। अगर आप लगाओगे ना आपको भी फायदा होगा, ऐसा नहीं नुकसान होगा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो प्रदीप भाई आपने जब पहला लगाया था कितना के फायदा हुआ था? भाई मेरे को फायदा हुआ था 6-7 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का दोस्तों। एक एकड़ में हुआ था। बाकी उस साल पहले साल खर्च बहुत आ जाता है, अब की बार सामान नहीं लेके आना पड़ा कुछ भी, हमारा जो पुराना सामान था वो 3-4 साल से वही काम आ जाए। जी बिल्कुल। तो हाँ जी, आप सभी अगर आप में से कोई भी खेती करना चाहता, बाग लगाना चाहता है स्ट्रॉबेरी का, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे और इस तरह स्ट्रॉबेरी वगैरह खाते रहे, और जय हिंद।